टॉपिक का नाम है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा आप लोग को याद होगा बेटा कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ा रहे थे याद होगा तो उस वक्त हमने कुछ ग्राफ्स बताया था, थोड़ा बहुत जो बच्चे पहले पढ़े थे उनकी बात कर रहा हूं। तो हमने दो ग्राफ बताए थे, इस तरह का ग्राफ बताया था और एक इस तरह का ग्राफ बताया था। कुछ याद आ रहा है आप लोग को? Yes, क्या कुछ याद आ रहा है बेटा? इस तरह के ग्राफ में बताओ मैक्सिमम वाई का वैल्यू इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? वाला पॉइंट, क्या वाई का वैल्यू इससे ज्यादा ऊपर कुछ हो सकता है क्या? नो सर। इससे ऊपर वाई का वैल्यू हो सकता है? नो सर। इससे ज्यादा वाई का वैल्यू हो सकता है? हाँ विद्या मैम क्लास में हूँ, मैं चाहता हूँ 5 बजे के बाद कॉल करूँ, मैं लेक्चर में हूँ 5 बजे के बाद कॉल करूँ, कैसे नहीं करते? हाँ बेटा यहाँ पे देखो, यह मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं वाई का वैल्यू हो सकता है। सिमिलरली याद होगा मैंने लिखा था वाई मैक्सिमम, और यहाँ की बात करूं इस ग्राफ में यह सबसे मिनिमम, इससे नीचे आ सकता है क्या ग्राफ? क्या इसके नीचे ग्राफ बन रहा है क्या? रिप्लाई नो, इसका मतलब यह मिनिमम, मतलब मीनिंग कि किसी भी ग्राफ में या तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं या मिनिमम वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स ही है, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स है, इसका ग्राफ अगर हम खींचे तो करीब करीब ऐसा ग्राफ जाता है, याद होगा बताया। तो यह कहां तक जाएगा? एक सर्टन लिमिट होगा ना भाई, गलती कर रहे हैं, एक लिमिटेशन होना चाहिए ना। एक मान लो कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, सपोज मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो फिजिक्स जो पढ़ा रहा हूं हमारा लिमिटेशन क्या है? मिनिमम कहां तक? क्या मैं फर्स्ट सेकंड का फिजिक्स पढ़ा सकता हूं क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं। मैं आपको एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ का फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। मैक्सिमम कहां तक जाना है? क्या मैं आपको पीएचडी का फिजिक्स पढ़ाऊं तो आपको चलेगा? पीएचडी का सिलेबस पढ़ाऊं तो आपको चलेगा? नहीं। इसका मतलब लिमिटेशन क्या है? पांडे सर आप फिजिक्स मेरे को पढ़ाओ, सही है, लेकिन आप 11, 12 के बोर्ड बेसिक से लेकर आप हमें नीट और जेई तक लेकर जाओ, एनडीए तक लेकर जाओ, यही बात है ना बेटा? हाँ या ना? यस सर। अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं ग्रेजुएशन का पढ़ाऊंगा तो आपको चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मतलब हमारा लिमिटेशन, उसी लिमिटेशन को आज पढ़ें। मैं रख करूं इसको, क्या मैं इसको रख करूं? यस सर। अच्छा अब आइए, लिमिटेशन क्या है? पहली बात मान लो, सपोज कि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, कोई फंक्शन दिया है, ठीक है ना, कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, ध्यान देना प्लीज। अभी कंसेप्ट इट में भी कम समझ में है, जब एग्जांपल बताऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया है और इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है? क्या निकालना है? टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्या करेंगे? तो दिए हुए गिवन फंक्शन को पहले हम डिफरेंशिएट करें, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे टू गिवन फंक्शन, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट
एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस. मतलब जो भी फंक्शन दिया रहेगा, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, उसको क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर लेंगे. क्लियर? क्या यह करना जानते हैं? क्या हम फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना जानते हैं? यस सर. अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड रूल हम चेक करेंगे, इस वी विल चेक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे? देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है. आया ना? यस सर. योर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन दो चीज हो सकता है, दो वैल्यू हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव. दो ही इक्वेशन आएगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो. ध्यान देना, जो सेकेंड ऑर्डर हमने डिफरेंशिएशन किए हैं तो या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा या नेगेटिव वैल्यू आएगा. ध्यान देना, दो ही आएगा. क्या आएगा? या तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव. ध्यान देना, क्या आएगा? या तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव. यहां तक लिखो तो जल्दी जल्दी लिखिए. लिख लिए बेटा? सर क्लियर नहीं दिख रहा. हाँ नहीं दिख रहा, एक मिनट एक मिनट, मैं समझ गया. रुक जाइए. अब दिख रहा है बेटा? ब्लर दिख रहा है सर. हाँ ब्लर दिख रहा है. ब्लर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. आप लोग दिक्कत आ रही है क्या देखने में? सर दिख रहा है. फिर आपके नेट का इशू होगा, मेरा इशू नहीं होगा. रब करूं? यस सर. चल यहां तक हमने देखा अभी तक क्या क्या चेक किया, कि गिवन डिफरेंट गिवन फंक्शन को फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किए. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हमने देखा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अब सुनिए, अब सुनिए कंडीशन. इफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यदि पॉजिटिव हुआ, इफ पॉजिटिव हुआ, देन क्या निकलेगा? वी हैव टू फाइंड वाई मिनिमम. वाई का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा. क्या निकलेगा? मिनिमम. कब? कब? जब वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ए डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इफ नेगेटिव हुआ, देन वी हैव फाइंड, क्या निकालेंगे बेटा? वाई मैक्सिमम. मतलब डबल डिफरेंशिएशन यदि पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम निकलेगा, डबल डिफरेंशिएशन यदि नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम निकलेगा. y का वैल्यू मैक्सिमम होगा. नाउ अब तो यह क्लियर हो गया कि मैक्सिमम निकलेगा या मिनिमम निकलेगा. नाउ d
dy by dx मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेट करें किससे जीरो से एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इसका वैल्यू निकालेंगे x का क्या करेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे और वहां से x निकालेंगे. अब इस x को y में पुट करेंगे. नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y max और y min to put value of x to put value of x. अब आइए समझाते हैं एग्जाम्पल से. लिख लीजिए क्या मैं रख करूं बेटा. क्या मैं रख करूं बेटा. रख करूं बेटा. यस सर. यस यस. अब आइए. नहीं मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा. ऐसे नहीं आया होगा. आइए अब एग्जांपल से समझाते हैं. लिखे क्वेश्चन. टू फाइंड द मैक्सिमम टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू value of y if y equal to x square plus 2x plus 1 to find the minimum value of y if this. क्या क्वेश्चन लिख ली. क्या क्वेश्चन लिख लिया. यस सर. अब प्लीज अब आगे कुछ नहीं लिखेंगे. आप कुछ मत लिखिए. अब समझिए पहले. अब आप कुछ मत लिखिए. समझिए क्या हमारा एक्सप्रेशन दिया है. पहला मेथड क्या है. फर्स्ट मेथड क्या है. फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे. यही करेंगे ना. क्या करेंगे. फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर क्या निकालेंगे. डिफरेंशिएशन. देखिए तो कैसे निकलेगा. क्या यही होगा बेटा. क्या यही होगा. यस सर. कितना आएगा. आपको डिफरेंशिएशन आता है. क्या होगा. क्या इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बता सकते हो. 2x. इसका क्या होगा. 2. और इसका जीरो. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं. क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं. यस सर. सभी बच्चे क्लियर हैं. यस सर. मींस डी वाई बाय डी एक्स हमारा आ गया 2x plus 2. यह फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकल गया. सेकंड आगे क्या है. सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन. सेकंड ऑर्डर का मतलब कैसे निकालते हैं. आपको निकालने आता है क्या. आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने आता है. यस सर. यस सर. कितना आएगा. 2. देखिए तो यहां 2 कॉन्स्टेंट है. कांच पकड़कर
और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। क्या आ गया सेकंड ऑर्डर बेटा? क्या आ गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन? टू। टू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। टू पॉजिटिव है तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा या मिनिमम वैल्यू? मिनिमम। मिनिमम। देखिए क्वेश्चन में मिनिमम ही पूछा था कि नहीं पूछा था? क्लियर हुआ यहां तक? लिखिए जल्दी लिखिए। मतलब यह टू बता रहा है, यह वैल्यू बता रहा है कि वाई का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, यही टू बताएगा, यही वैल्यू बताएगा। क्या मैं रफ करूं? क्या मैं रफ करूं? यहां से यहां तक रफ करूं क्या? तो क्या लिखेंगे? Hence, we can find only minimum value of क्या y? Because क्यों बेटा? Because d2y by dx square is क्या है? Positive. क्या सभी बच्चे क्लियर हो रहे हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हो रहे हैं? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब कंडीशन क्या है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे? dy by dx का वैल्यू याद है आपको? कितना आया था dy by dx? कितना आया था? 2x plus 2। इसको क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे किससे? जीरो से। इसको किससे इक्वेट करेंगे? और यहां से क्या निकालेंगे? x का वैल्यू। लेकिन x का वैल्यू कैसे आएगा? क्या गया x का वैल्यू? मतलब x इक्वल टू माइनस वन होगा तो y का वैल्यू मिनिमम होगा, यह बात सियोर हो गया। x इक्वल टू माइनस वन होगा तो y का वैल्यू सबसे कम होगा, उससे कम हो ही नहीं सकता। क्या मैं रख करूं? Yes, sir. अब बताइए y मिनिमम वैल्यू क्या होगा? y मिनिमम x के जाकर क्या पुट करेंगे? जल्दी बोलो। माइनस। कितना आ गया? माइनस वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा? y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? जीरो। किसी बच्चे को शक है कि एक्स का वैल्यू कुछ और पुट करेंगे तो हो सकता है कि वाई का वैल्यू माइनस आ जाए? कुछ अच्छा ऐसा लग रहा है? आओ देखते हैं। रुको रुको रुको, मान लो एक्स का वैल्यू माइनस टू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक्स का वैल्यू माइनस टू पुट करके देखो क्या आएगा। देखो तो कितना आ गया?
वन वन बड़ा है या जीरो बड़ा है? वन समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? आया सर। नहीं समझ में आया? आया। गुड। एक और क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन लेता हूँ, फिर नीट का एक क्वेश्चन कराऊंगा। रफ करूं? रफ करूं? यस सर। सबको समझ में आया ना? दो तीन क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिक दिमाग में कंसेप्ट एंट्री कर जाएगा। देखो Is it find the maximum value of y? पहला क्वेश्चन है क्या हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y निकाल सकते हैं? Then find y max. बनेगा आपसे? क्या आप ट्राई करोगे? क्या आप ट्राई करोगे? यस सर। यस सर। क्या इसका वैल्यू आएगा मैक्सिमम या मिनिमम? डिफरेंशिएशन आता है आप लोग को? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सही लिखा हूं क्या? मैं सही लिखा हूं? कितना आएगा? इतना आएगा क्या? यस सर। यस सर। कितना आ जाएगा? डी टू आई बाई डी एक्स क्या होगा? कितना पुट करेंगे? कितना आएगा? एटीन एक्स रेस टू नेगेटिव फोर। कितना आ गया? 18
x is for negative 4 और उसका डिफरेंशिएशन 0। अब बच्चे इसका वैल्यू नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, या वैल्यू नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब y का वैल्यू क्या निकलेगा? मिनिमम। मिनिमम क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैक्सिमम। तो क्या हम आंसर देंगे? क्या हम आंसर देंगे? वी कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, वाई बिकॉज द वैल्यू ऑफ वाई इज पॉजिटिव। नो, द वाइल डबल डिफरेंशिएशन इज द वैल्यू ऑफ डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव। बढ़ो आगे। बेटा यस सर। यस सर। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऑफ वाई इफ y equal to minus 3x square plus minus 2x plus 1 बनेगा? Yes sir। बनाइए। सभी बच्चे बनाएं। सभी बच्चे बनाएं। बन रहा है? यस सर। नए बच्चे आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? मेरी आवाज जा रही है आप लोग के पास? नए बच्चे देखो भाई, मैं बार बार बोला हूं, रिप्लाई नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। बता दूं क्या दिया है? क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा तो देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन। कितना आएगा? क्या यही होगा? क्या कितना वैल्यू आएगा? यस सर।
माइनस सिक्स एक्स माइनस टू। नए बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस सिक्स एक्स माइनस टू आया है। डीवाई बाई डीएक्स क्या आया? माइनस सिक्स माइनस डबल डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा बताइए? टाइम कट जाएगा तो रिज्वाइन हो जाना, कट जाएगा रिज्वाइन हो जाना। ध्यान रखना कल से सुबह 8 बजे से फिजिक्स का लेक्चर है। कितना बजे से है? फिजिक्स का लेक्चर सुबह 8 बजे से है। कितना बजे से है? 8 मॉर्निंग 8 o'clock मॉर्निंग 8 o'clock कंपलसरी सभी लोग ज्वाइन करेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे? कितना आएगा? माइनस सिक्स। माइनस सिक्स का मतलब क्या? निगेटिव। निगेटिव तो क्या निकाल, वाई का क्या वैल्यू निकालेंगे? मैक्सिमम की मिनिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम चलिए रब करूं, रब करूं। यस सर। अब सेकंड रूल क्या है? हमें पता चल गया इस इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, तो सेकंड रूल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को कितना आया था? माइनस सिक्स। इसको इक्वेट करें किससे? जीरो से। क्या आ जाएगा बेटा? कितना आ गया? माइनस वन बाई थ्री। एक्स का वैल्यू क्या आया? तो वाई मैक्स क्या होगा? अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। करने आता है क्या? क्या इसको सॉल्व करने आएगा आपको? 4/3। गुड। जहां भी दिक्कत होगा पूछ लेना, ये नहीं कि लजाना मत पढ़ाई में। 4/3 मैक्सिमम वैल्यू आया, वाई का मैक्सिमम वैल्यू 4/3 आया। रीज्वाइन होकर नीट का क्वेश्चन कराता हूं, रीज्वाइन होकर नीट का क्वेश्चन कराऊंगा 2007 का। लिख लिए सभी बच्चे को समझ में आया? सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो। तो क्या एक और क्वेश्चन ऐसा दूं उसके बाद क्वेश्चन दूं क्या? एक और दूं बनाने के लिए उसके बाद दूं क्या क्वेश्चन?